एक बिगिनर जिसे जल्दी में ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आया, वो यूट्यूब पे जाता है और सर्च करता है कि ब्लॉगिंग क्या है। उसे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद पता चलता है कि भाई ब्लॉगिंग से हम हजारों डॉलर पर मंथ का कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसकी आंखों में डॉलर बन जाता है, राइट। वो सपने देखने लगता है और उस वीडियो को देख के इंस्पायर होने लगता है जिसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, राइट। गलती कहाँ होती है? वही विजिटर जब यूट्यूब पे और स्क्रॉल करता है तो उसे पता चलता है कि भैया आपको आर्टिकल लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो बंदा डोमेन होस्टिंग खरीद लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब इन वीडियोस के चक्कर में पड़ जाता है जहां पे आपको बताया जाता है कि आपको आर्टिकल बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आप एआई जनरेटेड आर्टिकल क्या करिए, यूज करिए, आप अपने कीवर्ड डालिए, आपको 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का आर्टिकल मिल जाएगा, वो ले आके आप पेस्ट कर दीजिए और आपका काम हो गया। आप आर्टिकल स्पिन कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, लाखों डॉलर कमाइए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो बंदा आर्टिकल लिख सकता था, जो अपनी पोटेंशियल को यूज कर सकता था, वो शॉर्टकट यूज करने लगता है। ये चीज़ गलत है। वो वीडियोस जो ये वादा करते हैं कि आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने भी और बहुत लोगों ने ब्लॉगिंग से बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, लेकिन जहाँ पे 2022 में ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि आप इस तरह का काम करके बहुत दिनों तक सर्च इंजन में नहीं बने रह सकते, तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। ऑलराइट, 2016 में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती थी, यानी कि 2016 में कॉपी पेस्ट वर्क, रीराइट करना, एआई जनरेटेड आर्टिकल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती थी। लेकिन अभी कंपटीशन और सर्च इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ये सोचो कि गूगल पे ऐसे रिजल्ट आते हैं जहां पे अगर कोई भी विजिटर जाए तो वहां पे फालतू की चीजें लिखी हुई हैं जो रीडेबल ही नहीं है, तो लोग गूगल क्यों यूज करेंगे? वो याहू यूज करेंगे, बिंग यूज करेंगे। तो गूगल का भी एक सिंपल सा बिजनेस है, अगर ये आप समझ गए तो आपको एसईओ करना आ जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सारी गलती नहीं करनी है और कैसे आप सर्च इंजन में बहुत लंबे समय तक बने रह सकते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको UFO based आर्टिकल, UFO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO, और आज से हम SEO जैसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो यार, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज रॉन्ग वर्ड, हम सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और आज के इस अपडेट में, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में, गूगल ही बोल रहा है कि भैया आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना बंद करो। तो हो गया ना भैया ये रॉन्ग। मैंने बहुत सारे वीडियोस में, आज से साल भर पहले वाले वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि भाई ये फुल फॉर्म मेरे को गलत लगता है, हमें करना चाहिए UFO यानी कि यूजर फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन। ये फुल फॉर्म आज से मैं जनरेट कर रहा हूँ। कभी भी आपके दिमाग में SEO आए ना, तो उसको UFO से रिप्लेस कर दो, आपके आर्टिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी कि हम सर्च इंजन के लिए नहीं, हम यूजर के लिए स्ट्रांग आर्टिकल, यूजर को हेल्प करने के संदर्भ में स्ट्रांग आर्टिकल लिखना आज सीखेंगे। बहुत सारे आपको नए तरीके बताने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बहुत सारे ट्रिक्स से मतलब है कि मैं आपको कोई शॉर्टकट, कोई टूल, ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। 100% आपको एथिकल चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने वाला हूँ। और 5 साल की करियर में जो मैंने ब्लॉगिंग से सीखा है, जो मैंने आर्टिकल लिखने से सीखा है, ये सारी चीज़ें आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है, ये आपको पूरे इंटरनेट पे या फिर पूरी YouTube पे आपको नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, रिपीट करके देखना, फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कुछ भी करके देख के समझ के, और इसी के हिसाब से सारी चीज़ें अपना कंटिन्यू करना। क्योंकि 2022 में आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जहाँ पे ब्लॉगिंग वर्ड आता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड होता है आर्टिकल। तो ऐसे आर्टिकल जो जनरेटेड हैं, जो स्पिन हैं, जो शॉर्टकट यूज करके जनरेट किए गए हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रैंक हो सकते हैं, लेकिन वही आर्टिकल आपकी वेबसाइट को पिनलाइज कर सकते हैं। पिनलाइज यानी कि सर्च इंजन की नज़र में आपकी साइट ऐसे आउटरैंक हो जाएगी, सर्च इंजन में आप ऐसे गायब हो जाएंगे कि आपकी साइट पूरे 100 पेजेस तक नहीं मिलेगी। वीडियो में हम जम करते हैं और जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग की बहुत अच्छी टेक्निक्स, और ये चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ, लाइव आपको आर्टिकल सेटअप करके बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप नया सीखने वाले हैं। सो हेलो गाइज, माय नेम इज आनंद एंड यू आर वॉचिंग वेब इनसाइट्स। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके स्क्रीन पे अभी एक माइंड मैप दिख रहा है, इस माइंड मैप की हेल्प से मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ, इस वजह से मैंने ये माइंड मैप बनाया और इसमें मल्टीपल पॉइंट्स को ऐड कर रखा है। आर्टिकल राइटिंग आपका 3 पार्ट में आज कंप्लीट होगा। सबसे पहले कंपेटिटर का आर्टिकल एनालिसिस, उसके बाद हम ऑन पेज SEO ऑफ द आर्टिकल, SEO यानी कि UFO, उसके बाद आ जाएगा एडवांस टेक्निक फॉर बेटर ट्रैफिक, यानी कि इस वीडियो का जो बेस्ट पार्ट आपको लगना है, जहां तक मैं फील कर रहा हूं, वो आपको एडवांस पार्ट में लगेगा। लेकिन इस वीडियो का कहीं से भी मतलब नहीं है कि इसमें और इसमें आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। देखो, एट वेब इनसाइट्स मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूं वो आपके लिए नई हो और यूनिक हो।
क्योंकि चैनल पे बिगनर्स भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बेसिक भी बतानी पड़ती है, बट अलॉन्ग विथ बेसिक आप बहुत कुछ आज एडवांस सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो अगर आप बिगनर हैं फिर भी आपको आर्टिकल एनालिसिस सीखना है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आ जाते हैं हम पार्ट वन पे, यानी कि कॉम्पिटिटर आर्टिकल एनालिसिस। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो एक पॉइंट आता है, यूज डिटेल्ड SEO क्रोम एक्सटेंशन टू फाइंड द वीकनेस ऑफ द आर्टिकल। देखो कॉम्पिटिटर आर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में क्यों, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल वीडियो इस वाले में मैंने बताया कि कैसे आपको कॉम्पिटिटर का आर्टिकल का एनालिसिस करना चाहिए। देखो जब भी हमें अपनी मेन कीवर्ड पे काम करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको गूगल में सर्च करते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हमारा जो कीवर्ड है जिस पे हम काम करने वाले हैं वो है Adobe Photoshop फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज, यानी कि फोटोशॉप डाउनलोड का एक आर्टिकल लिखना हम सीखेंगे। और इस आर्टिकल को लिखते लिखते और इसमें जो चीज़ें मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ आप किसी भी तरह का आर्टिकल लिख पाएंगे। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं और जैसे सर्च करते हैं जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है हम उसे वन बाय वन क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि भाई इसने क्या क्या चीज़ें लिखा है, इसने URL क्या लिखा है, इसने हेडिंग कितने लिए हैं, इसने इमेजेस कितने लिए हैं। अब ये भाई साहब को देख लो, इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा ही नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने आर्टिकल और मल्टीपल इमेजेस लिखा हुआ है, इमेजेस डाला हुआ है, हेडिंग्स हैं। एंड इसी वे में ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज है, इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये दो पेज को अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पे एक टूल यूज करेंगे क्रोम एक्सटेंशन डिटेल्ड SEO नाम का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिटेल्ड SEO पे क्लिक करें, ये क्रोम एक्सटेंशन फ्री है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस वाले वीडियो को देख लें क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे इस प्लगइन पे मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि इन्होंने टाइटल क्या रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या रखा है, URL क्या है, कैनोनिकल क्या है, हेडिंग इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखा है, कितने S2 हैं, कितने S3 है, लिंक्स कितने हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं, कितने इंटरनल लिंक हैं, इमेजेस कितने हैं, कितने विदाउट अल्ट टैग के हैं, यानी कि इस एक्सटेंशन से हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल का वीकनेस पता कर सकते हैं और उसको हम स्ट्रेंथ बना सकते हैं। यानी कि जो टॉपिक, जो हेडिंग कोई भी आर्टिकल अगर यूज नहीं कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हम अपनी वेबसाइट पे करेंगे। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्क करेगा आपका कॉम्पिटिटर और हम उसके हार्ड वर्क को यूज करके उसकी वीकनेस को फाइंड करेंगे और हम क्या करेंगे, उससे बेटर आर्टिकल लिखेंगे। यही हमारा अप्रोच होता है। इसी तरह से आ जाएंगे हम पॉइंट नंबर टू पे, SEO क्विक फॉर कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, यानी कि इस आर्टिकल को कितना मन से लिखा गया और किस किस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, ये अगर देखना रहे तो हम SEO क्विक नाम का एक एक्सटेंशन यूज करेंगे और इस पे आके हम क्लिक करेंगे डेंसिटी पे। ये भी फ्री एक्सटेंशन है, क्रोम स्टोर पे आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 3 word पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें 3 word पे, तो हम समझ पाएंगे कि ये आर्टिकल किस बारे में लिखा गया है। Adobe Photoshop CC, यानी कि ये सारे कीवर्ड्स आर्टिकल में डाले गए हैं, यानी कि 7 बार, जिसका कीवर्ड डेंसिटी है 2.47। Adobe Photoshop CC जिसका कीवर्ड डेंसिटी है 1.73, यानी कि 7 बार ये रिपीट हुआ है, 5 बार ये। इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, जैसे कि 4 word phrases, यहाँ पे 4 word phrases में आ रहा है Adobe Photoshop for Windows, ये करीब 3 बार रिपीट हुआ है, H1 में यूज हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आप ये वीडियो देख के समझ सकते हैं, इस वजह से ये चीज़ मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें रिपीट करूँ क्योंकि इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर टू पे, जिसका हमें इंतजार है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन पेज SEO फॉर द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का हम ऑन पेज करेंगे, कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट योर सीड कीवर्ड यूजिंग फ्री टूल एंड फाइंड द प्राइमरी कीवर्ड टू टारगेट। सीड कीवर्ड क्या होता है, मान लीजिए हमारा कीवर्ड है डाउनलोड Adobe Photoshop, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हमें निकालने हो तो हम बहुत तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पीपल ऑल्सो सर्च दिखा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एकदम नीचे जाएं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे LSIs दिख रहे हैं, बहुत सारे सर्च कीवर्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। दूसरा फ्री टूल यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे डाल दें डाउनलोड Adobe Photoshop, ये टूल फ्री है, आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। keywordtool.io, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे 100 and 1000s ऑफ रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। अभी के लिए देखिए क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आपको यहाँ पे कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको मिल जा रहे हैं, आप मैन्युअली एनालिसिस करिए, यहाँ से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं और बाद में इस पे आप FAQ लिख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का टूल, और फ्री है, फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज H1 पोस्ट टाइटल, यानी कि पोस्ट टाइटल में आपको किस तरह से लिखना है, पोस्ट टाइटल आपका कैसा होना चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिख रखा है। देखो अगर मैं 2000 वर्ड का आर्टिकल या 1000 वर्ड का आर्टिकल इस वीडियो में लिखने बैठूँ तो बिलीव मी ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा और फिर भी वो SEO फ्रेंडली आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल लिखना बहुत हार्ड काम है, बहुत टाइम टेकन है। पर्सनली मेरे को तो मुझे लगता है कि 2000 वर्ड का आर्टिकल मैं 2 से 3 दिन 4 दिन में लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, रिसर्च करके लिखता हूँ,
एंड मैं आर्टिकल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये आर्टिकल ओपन कर दिया है और इस आर्टिकल को हम क्या करते हैं अभी एडिट पोस्ट की तरह करते हैं और इस आर्टिकल को मैंने हर तरह से ऑप्टिमाइज्ड कर रखा है। ऑलराइट, मैंने हर तरह से ऑप्टिमाइज कर रखा है ताकि आपको इस आर्टिकल को ओपन करके मैं सारी चीज़ें वन बाय वन समझाते जाऊं और मतलब बताते जाऊं कि मैंने क्यों कर रखा है। तो मैंने देखिए यहाँ पे मेन कीवर्ड एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022, ये हमारा मेन कीवर्ड है। इसको मैंने क्या किया है, H1 में रखा है, H1 यानी कि पोस्ट के टाइटल में रखा है। कभी भी आप पेज पे H1 ज़्यादा ना लें, सिंगल लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि H1 सिंगल ही मेरे ख्याल से होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू गूगल एंड बैकलिंक को ये दोनों ये बोलते हैं कि आप मल्टीपल H1 ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है H1 का जो फॉन्ट साइज होगा यहाँ पे भी आप सेम अगर आप यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल कन्फ्यूज होगा, गूगल एक्चुअली नहीं यूज़र कन्फ्यूज होंगे क्योंकि दोनों का फॉन्ट साइज बराबर होगा। इसी वजह से H1 को बार बार रिपीट करने के लिए नहीं बोला जाता, बट आई रिकमेंड यू कि एक बार यूज़ करें और यहाँ पे H1 में अपना मेन कीवर्ड डालें, एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022 जो हमारा मेन कीवर्ड है। उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे देखिए फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज 10 100% वर्किंग, यानी कि हमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाला है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं जैसे कि एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022 फ्री डाउनलोड, एडोबी फोटोशॉप फ्री डाउनलोड, एडोबी फोटोशॉप सीसी डाउनलोड फॉर विंडोज, ऐसे करके मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड से ज़्यादा जल्दी रैंक होता है, आसान होता है क्योंकि बहुत कम लोग इस पे काम करते होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमने पोस्ट टाइटल लिख दिया, फिर आ जाते हैं टारगेटेड परमालिंक यूआरएल और स्लग, यानी कि जो हमारा परमालिंक होगा वो कैसा होगा। लेट मी शो यू कि मैंने परमालिंक कैसा इसका लिखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे हम आएंगे और इसका परमालिंक हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022। कितने लोग इस पूरे टाइटल को ही परमालिंक बना देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू बैकलिंक को सर्वे, जो कि बहुत बड़ा एसईओ एजेंसी है, बहुत बड़े एसईओज हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे एक सर्वे के हिसाब से हम जब शॉर्ट यूआरएल लेते हैं तो गूगल कन्फ्यूज नहीं होता और उसको जल्दी से जल्दी रैंक करता है। तो कभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा यूआरएल ना लें, जितना कम से कम और जितना शॉर्ट यूआरएल लेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अगला चीज़ आ जाता है यहाँ पे रीडर फ्रेंडली हेडिंग स्ट्रक्चर विथ टेक्स्ट स्निपेट अप्रोच। कितना लंबा चौड़ा लाइन लिखा है, बट मैं आपको बताता हूँ रीडर फ्रेंडली हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो कभी भी अपना आर्टिकल लिखने से पहले आप क्या करें ना, हेडिंग स्ट्रक्चर बना लें कि सबसे पहले मेरा H1 ऐसा होगा, H2 के अंदर 3 H3 होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक और H2 होगा, फिर एक H3 आएगा एंड फिर फाइनल मैं ओपिनियन लिखूंगा। अब इससे ये हो जाता है ना कि आप स्ट्रक्चर पहले रेडी करते हैं और उसी के हिसाब से पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करके पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कोई भी हेडिंग आपसे बचता नहीं है, ठीक है। अब यूजर फ्रेंडली क्या हो गया, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हर हेडिंग में बिना मतलब का अपना मेन कीवर्ड रिपीट करते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे डाला है एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022, यहाँ पे भी मैंने डाला है एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022, यहाँ पे भी डाला है और यहाँ पे मैंने तीन हेडिंग में पूरा अपना मेन कीवर्ड डाला है, लेकिन ये मीनिंगफुल है, ठीक है। रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोज में लोग बताते हैं कि यार हर एक हेडिंग में डाल दो, H1 में डालो, H2 में, H3 में, पैराग्राफ में डालो एंड मतलब हर जगह पे बौछार कर दो कीवर्ड्स का। ऑलराइट, यानी कि इमेजेस सर्च टैग में हर जगह पे मेन कीवर्ड ही डालते रहो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रीडेबिलिटी हमें इंप्रूव करनी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत रहे वहीं पे हमें मेन कीवर्ड को डालना है। गूगल इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप किस बारे में ये आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल का H1 और परमालिंक ही गूगल को बता देता है कि ये आर्टिकल किस बारे में है, बाकी आपके आर्टिकल का जो कंटेंट है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, वो सारी चीजें भी बताता है, बट दीज टू थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको अपने मेन कीवर्ड्स डालने हैं और ठीक है। तो अभी के लिए हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली दिस हेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो कभी भी अपने हेडिंग स्ट्रक्चर पहले नोट कर लें, उसके बाद उसमें पैराग्राफ ऐड करते जाएं, ठीक है। देखिए H1 के अंदर एक, H2 H2 के अंदर 3 S3 मैंने डाले हैं, एक्चुअली 4 S3 डाले हैं जो इसी हेडिंग के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डाउनलोड है, फिर उसी डाउनलोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इस वजह से मैंने हेडिंग स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बीच बीच में मैंने क्या किया इमेजेस और पैराग्राफ ऐड कर दिए। आगे हम सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, कुछ भी आपके लिए स्किप नहीं करूंगा एंड बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। अभी तक अगर आपको मजा आ रहा हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड क्योंकि देखो यार इस समय ये 12:39 हो रहा है, रात के 1:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड यस बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं यार ये वीडियोस बनाने में एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रिसिएट। ऑलराइट, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखा करिए अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैं सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। सो अगर कुछ ऐसा होता है देन प्लीज़ करेक्ट मी यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे हेडिंग स्ट्रक्चर का। तो हेडिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बना लेना है अपने कॉम्पिटिटर के आर्टिकल को देखते हुए। ऑलराइट,
उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, सॉल्व द रीडर प्रॉब्लम, यानी कि जो इंटेंट होना चाहिए वो सॉल्व करना चाहिए, और सर्च इंजन के लिए नहीं यूजर के लिए लिखना चाहिए। और अगली चीज मैंने लिखा है कि हाई कीवर्ड डेंसिटी नहीं होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। देखो, गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करें। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे एक वीडियो मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ, उस वीडियो को एक मिनट आप झेल लें तो मैं जान जाऊं, मैं आपको, आप इरिटेट हो जाएंगे। लेट्स वॉच दिस वीडियो अलॉन्ग विद मी। ऑलराइट, लेट मी प्ले इट, हियर इट इज। यू मे प्रिंट एनीथिंग, यू मे पुट एनीथिंग टू प्रिंट, एंड यू मे चूज नॉट टू पुट इट टू प्रिंट। It may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed. देखिए, कुछ 17 सेकंड हमने वीडियो देखा और इन्होंने 10 बार तो प्रिंट बोल दिया है। आगे भी मैं प्ले करता हूँ ये वीडियो। Because it must be in print. They should be punished for the truth must be imprinted into our nation's memory, and those in print must print the unprintable truth. What do you say? Never ever. सोचिए, ये आर्टिकल सॉरी ये वीडियो इतना अनोइंग है, तो इस आर्टिकल में ऐसे ही आप मेन कीवर्ड का अपना बौछार करेंगे सिर्फ गूगल को समझाने के लिए, सर्च इंजन को समझाने के लिए, तो क्या कोई भी रीडर, कोई भी विजिटर ये आर्टिकल आपका पढ़ेगा? बार बार एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड, एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड, भाई उसको ये पढ़ के समझ में आ गया कि आप डाउनलोड के बारे में लिख रहे हैं, गूगल को भी समझ में आ गया। जहां पे नीचे आपको समझ में आए, रिलेटेड जगह पे आप डालिए अपने मेन कीवर्ड। 1000 वर्ड का आर्टिकल है, आप 5 बार डालिए, आपका काम हो गया। कोई मतलब नहीं है, रैंक मैथ बोल रहा है भैया आप 10 बार डालो। अगर आपको लगता है कि 5 बार में मेरा काम हो गया, तो आपको ज़्यादा टाइम वो आर्टिकल पे वो मेन कीवर्ड रिपीट नहीं करना है। आप कुछ LSIs वगैरह अपने आर्टिकल में मैनेज करने का कोशिश करिए, मल्टीपल कीवर्ड्स डालिए, लेकिन बार बार उसको रिपीट करके कीवर्ड स्टफिंग करने की जरूरत नहीं है। गूगल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस वाले अपडेट में जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं, सर्च इंजन के लिए सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, गूगल उनको पिनलाइज करने वाला है। सो प्लीज़, अगर आप ये गलती कर रहे हैं, ये करना आप बंद कर दीजिए। यूजर अगर सेटिस्फाई है तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, आपके पेज की रैंकिंग बढ़ेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, इंटेंट क्या होता है। इंटेंट यानी कि इस कीवर्ड का इंटेंट है कि कोई भी यूजर आके एडोबी फोटोशॉप CC का 2022 वर्जन जो है वो डाउनलोड करना चाह रहा है। तो अगर वो इस पेज पे आए, तो इस पेज को ऐसे स्ट्रक्चर करिए कि उसका इस इंटेंट पूरा हो जाए, वो डाउनलोड कर पाए। जैसे कि एक विजिटर है, मान लीजिए आप विजिटर हैं, आप इस पेज पे लैंड करते हैं, यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि इसमें आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। देखिए, पैराग्राफ में यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप जिप फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे ओवरव्यू दिखाया जा रहा है, और उसके बाद आए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इन्फो दिखाया जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर किस बारे में है, पब्लिशर कौन है, और कब ये लॉन्च हुआ था, कितने GB का फाइल है। मतलब एक विजिटर को कितना मजा आएगा। अब यहाँ पे वो देख पाएगा कि इस वर्जन में नया क्या है। ठीक है, ये विजिटर यहाँ पे देखिए 4-8 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको देख के समझ पाएगा अच्छा इस वर्जन में ये अपडेट आया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल, मतलब कि यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम 8 होना चाहिए, हार्ड डिस्क इतना चाहिए, रैम इतना चाहिए, तब जाके आपके PC में ये चलेगा। तो विजिटर इसको भी पढ़ेगा, इसको भी पढ़ेगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स कि ये सॉफ्टवेयर महंगा है, ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, थोड़ा स्लो है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया है, प्रो एंड कॉन्स डाल दिया है। ये भी विजिटर पढ़ेगा, कोई भी चीज़ें एक्सक्लूड नहीं करेगा। एंड नीचे आएगा तो उसको हाउ टू डाउनलोड का एक एक हेडिंग मिलता है, क्लिक हियर टू डाउनलोड का बटन मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल, हम यहाँ पे एक वीडियो भी डाल देंगे, जिससे ये होगा कि वो विजिटर वीडियो ट्यूटोरियल देखेगा कि कैसे ये फाइल डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल होगा। आप चाहिए तो वीडियो शूट करके डाल सकते हैं, चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिएटर से परमिशन लेके उनका वीडियो, आप YouTube का वीडियो यहाँ पे डाल दें। अब ये वीडियो कभी भी यूजर देखेगा तो कहीं ना कहीं साइट पे रुकेगा, ये आपका बाउंस रेट मेंटेन करेगा और ये चीज़ आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, और अभी डिटेल में एक एक चीज़ें हम देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे इंटेंट का, यूज़र का इंटेंट पूरा होना चाहिए। अगर इंटेंट बेस्ड कंटेंट है तो विजिटर किसी भी हाल में आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहेगा। ऑलराइट, अगली चीज़ पे आ जाते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड क्लिक करते हैं, ऑलवेज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। आपको हमेशा शॉर्ट सेंटेंस यूज करने, देखिए मैं ब्रेक कर करके यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ahrefs.com, backlinko.com, searchenginejournal.com, ये सब साइट पे जाएं, harshagrawal.com पे जाएं, ठीक है, शाउट मी लाउड पे जाएं, तो ये सारी साइट्स हमेशा पेज ब्रेक करके छोटे छोटे पैराग्राफ लिखती हैं, सिर्फ इस वजह से कोई भी विजिटर पढ़ने में कंफर्टेबल रहे। समझ रहे हो, एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लिए 5 मिनट देना पड़ेगा और वो ब्रेक नहीं ले पाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे पैराग्राफ उनको कंफर्टेबल करते हैं, एंड गूगल लाइक दिस अ लॉट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको छोटे आर्टिकल लिखने हैं, स्मॉल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं।
ठीक है, इंटेंट बेस्ड आर्टिकल लिखना है। जहां पे हमारा इंटेंट खत्म हो जाता है वहां पे आपको आर्टिकल लिखना बंद कर देना है। कोई मतलब नहीं है कि पहले पेज पे पहले नंबर वाले ने 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो आप भी 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। भाई आप उसको 500 वर्ड के आर्टिकल से भी आउटरैंक कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कैसे। ऑलराइट, आ जाते हैं मतलब ऑलवेज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, इस पर हम बात कर लिए हैं। ऑलवेज यूज लिस्ट एंड टेबल, अपने आर्टिकल में आप हमेशा टेबल यूज करें, ठीक है। ये टेबल सर्च इंजन में बहुत अच्छा प्रीव्यू देते हैं, आगे हम एडवांस वाले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ध्यान देना कि हमेशा लिस्ट यूज करें, ये बहुत सारे स्निपेट्स को इनेबल करते हैं। आगे हम देखेंगे स्निपेट्स क्या होते हैं और कैसे आपको ये ज्यादा ट्रैफिक दे सकते हैं। बिलीव मी, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो नेवर इग्नोर दिस, राइट। आपको लिस्ट एंड टेबल जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये गूगल की नजर में भी लगता है कि हाँ ये आर्टिकल स्ट्रांग कंटेंट डिलीवर कर रहा है लिस्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, और इसके बहुत सारे फायदे हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है इंस्टॉल टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन क्या होता है, लेट मी शो यू। अगर आप वेब इनसाइट्स पे जाएं और किसी भी पोस्ट पे जाएं, लेट मी स्क्रॉल दिस थ्रू द ब्लॉग पोस्ट। में अगर इस पोस्ट पे जाऊं जिसपे मैंने थीम 9 का कूपन कोड मेंशन कर रखा है, तो यहां पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, जिसपे हम क्लिक करके उस पेज पे, उस सेक्शन पे हम रीडायरेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे मैं क्लाउड वेज वाले पोस्ट पे जाऊं, मैंने जहां पे क्लाउड वेज का 40% डिस्काउंट का एक कूपन मैंने दिया है, तो इस पे अगर आप जाएं तो यहां पे देखिए बहुत सारी यहां पे हेडिंग्स हैं, और ये हेडिंग पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो उस प्रॉपर हेडिंग पे आप आ जा रहे हैं। इसके सर्च इंजन में बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, आगे मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये मान के चलें कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन को इंस्टॉल डेफिनेटली कर देना है। एडवांस यानी कि इसी वीडियो में, इस वाले पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट आ जाता है ब्रेक थिंग्स विद द इमेजेस एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस। वेपी फॉर्मेट में होने चाहिए और इमेज का आपको SEO करना चाहिए, यानी कि इसमें तीन चीज आ जाते हैं। आपको इमेजेस यूज करना चाहिए, इमेजेस की साइज कम होनी चाहिए, इमेजेस का एक्सटेंशन वेपी होना चाहिए और उसका SEO करना चाहिए। तीन चार चीजें, लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज किया है, इस इमेज को मैंने पर्सनली फोटोशॉप से बनाया है। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए इस इमेज को और इस इमेज को मैंने यूज करके क्या किया है, ये इमेज मैंने बनाया हुआ है। इस कंप्यूटर के अंदर मैंने ये लोगो डाल दिया और यहाँ पे नीचे लिख दिया Adobe Photoshop डाउनलोड। अब मैंने ये क्यों किया है, मैं डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके इमेज नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो एक प्लैगरिज्म इमेज होगा, वो एक कॉपीड इमेज होगा, और गूगल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक ही तरह का डेटा हर साइट पे रहे। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने ये वॉच पहना है, ये वॉच का कलर पिंक है, ऑलराइट। आई होप कि ये वॉच आपको दिख रहा है, इस वॉच का कलर पिंक है। अगर मैं इस तरह करके एक पिक्चर में कैप्चर करूं और उसको मैं अपनी वेबसाइट पे लगा दूं, तो गूगल इस इमेज को कैसे दिखेगा, उस वो टेक्स्ट फॉर्मेट में देखता है इमेज को, कि एक लड़का है जिसका फेस का स्ट्रक्चर ये है, जिसने स्पेक्स यूज किए हैं, जिसका वॉच का कलर पिंक है, और वो इस पोजिशन में खड़ा है, यानी कि वो एक रॉ डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको रीड करता है, ठीक है। अब इसी फोटोशॉप के इमेज को मैं डायरेक्ट यूज कर लूं, तो बहुत सारे वेबसाइट के कंटेंट से ये इमेज मैच कर जाएगा। तो क्यों ना इसको यूनिक बनाने के लिए इन्हीं के लोगों को लेके हम कुछ नया इमेज बना दें। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे उस पिक्चर में हम साइड में अगर कुछ लिख दें, एक बच्चा खड़ा कर दें, कुछ और चीज़ें क्रिएटिविटी उसमें डाल दें, तो गूगल उसको और भी, गूगल को उस इमेज से और भी डेटा मिल जाएगा, तो वो इमेज एक तरह से यूनिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिक इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि ये इमेज के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसको, ये देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट मेरा था, उसको ब्लू बैकग्राउंड पर रख दिया और हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये थोड़ा सा यूनिक हमने कर दिया, चाहे होते तो हम और भी यूनिक कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट बताना था। इस इमेज को हमने क्या किया, मल्टीपल इमेजेस को बना के हमने ये इमेज बनाया 2022 ऑल न्यू फीचर्स, यानी कि फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मल्टीपल इमेजेस आपको क्रिएटिव तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड करने हैं और उसको एडिट करने हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रोड्यूस और क्रिएट न्यू इमेजेस, ठीक है। और ये कहीं से भी कॉपीड या इस पे कोई भी कॉपी स्कीम प्लैगरिज्म नहीं आना है। आई होप कि मैं आपको इस इमेज के फॉर्मेट के बारे में मैं आपको समझा पाया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इमेज का एक्सटेंशन, वेपी। बहुत सारे मार्केट में पेड प्लगइन और फ्री प्लगइन्स हैं, लेकिन फ्री वाले प्लगइन्स कभी भी वेपी को सही तरीके से पास थ्रू नहीं कर पाते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस। इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो प्लगइन यूज करें, दैट इज इमेजिफाई। आई नो इमेजिफाई कंप्लीटली पेड है, 2-4-10 इमेजेस ये ऑप्टिमाइज करने को देती हैं, लेकिन इनका पेड प्लगइन बहुत अमेजिंग है। थीम 9 पे आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। प्लस पॉइंट ये है कि आप अनलिमिटेड इमेजेस एक महीने में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप इमेज अपलोड करेंगे, ये क्या करता है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है व्हाइल अपलोडिंग। लेट मी शो यू अ मैजिक। मैजिक इस वजह से क्योंकि यार इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बट मैं फील करता हूं कि ये प्लगइन बहुत अमेजिंगली काम करता है। लेट मी शो यू हाउ इट इज अमेजिंग देन एनी प्लगइन्स। अब जैसे यहां पे हम बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये वाली प्लगइन हो गई, अगर इस प्लगइन की हम बात करें तो 419 केबी का था। लेट मी शो यू 419 केबी का, लेकिन इसे इसने कर दिया 40 केबी में, है ना अमेजिंग।
ये वाला देखिए, अगर इसे मैं जूम करूं तो अराउंड ये इमेज था कितने 74 KB का, लेकिन इसे कर दिया इसने 17 KB का। कितना छोटा, और क्वालिटी थोड़ा भी रिड्यूस नहीं होती है। प्लस पॉइंट ये है कि इस प्लगइन से आप आपकी साइट पे अगर 1000 images ऑलरेडी हैं तो उसको भी बल्क ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके बल्क ऑप्टिमाइजेशन लगा के रात में सो जाइए, आपके हजारों इमेजेस जो 2-2 MB के हैं वो 20-20 KB में हो जाएंगे। रात सवेरे उठिए, आपका काम हो गया, पुराने इमेजेस भी बल्क ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, वेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और गूगल को वेपी इमेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। वेपी में रहेगा आपकी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट होगी, ऑलराइट, क्योंकि 2 MB का इमेज और 20 KB का इमेज, ऑब्वियसली 2 KB का 20 KB का इमेज जो होगा वो जल्दी लोड हो जाएगा, और इससे आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी, फास्ट ओपन होगी, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, वेपी में भी कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाता है इमेज का SEO। इमेज का SEO क्या होता है, मान लीजिए ये इमेज है, तो इस इमेज का आप सबसे पहले कैप्शन लिखें कि ये इमेज किस बारे में है, और अगर आप इसे कहीं से उठा रहे हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पर डाल दीजिए, सोर्स डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका अल्ट टैग, यानी कि ऑल्ट एट्रीब्यूट। यार लिटरली मुझे नींद आ रही है, 1 बजने को है, यूजुअली इतनी रात तक जागता नहीं हूँ, थोड़े से वर्ड्स मेरे फिसल रहे हैं, बट इट इज़ ऑल राइट, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट टैग डालेंगे। ऑल्ट टैग में यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ न्यू इन फोटोशॉप, ठीक है, हमने यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल कीवर्ड डाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेन कीवर्ड आप डाल दें डाउनलोड एडोबी फोटोशॉप CC 2022, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं डालना है, ठीक है। आप देखिए मैं फोटोशॉप के बारे में बता रहा हूँ, आप अपने आर्टिकल को लेके, अपने कीवर्ड्स को लेके एज्यूम करिए, यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड अपना नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे वो कीवर्ड डालना है जो इमेज जिससे रिलेट करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये इमेज है, मैंने इसका डाला है ऑल्ट टैग फोटोशॉप स्प्लैश स्क्रीन, ये फोटोशॉप का एक स्प्लैश स्क्रीन शॉट है, ठीक है, तो ये चीज़ डाल दीजिए। उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसका डाला है एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड डाला क्योंकि मैंने ये डाउनलोड के लिए मैंने ये फीचर इमेज बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भैया डाउनलोड के बारे में है। देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, गूगल बाबा बहुत होशियार हैं, एंड बिलीव मी ये तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी बोरिंग है, बट इससे अच्छा आपको तरीका नहीं मिलेगा लंबे समय तक रैंक करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे मैं पहले पोजीशन पे रैंक हूँ, लेकिन उससे अगर आप उस आर्टिकल को देखेंगे, मेरी वेबसाइट को देखेंगे जिसकी DAPA बहुत कम है, लेकिन मेरे से नीचे नील पटेल, हर्ष अग्रवाल एंड कृपेश आडवाणी, ब्लॉगर पैशन, ब्लॉगर आइडियाज, बहुत बड़ी बड़ी साइट जिनका DA 80-90 है, वो भी नीचे हैं। आई शो यू द केस स्टडी, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये चीज़ अचीव करा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ऑलराइट। तो अब हम आ जाते हैं इमेज SEO हमने कंप्लीट कर लिया, अगला आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग एंड रिलेशन एट्रीब्यूट। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, सेल्फ लिंक एंड उसके बाद रिलेशन एट्रीब्यूट। अब ये क्या चीज़ें हैं चारों चीज़, सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक देखते हैं। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बट प्लीज़ यार बोर मत हो, तेरे साथ साथ इस चैनल पे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्हें मुझे सपोर्ट करना है, एंड आई बिलीव कुछ चीज़ें मैं ज़रूर नया बता पाऊंगा। ये लाइन मैंने एक्सपीरियंस्ड बंदों को बोला है, एंड लगे कि हाँ यार कुछ नया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग की। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फोटोशॉप कीवर्ड पे अपने ही आर्टिकल को मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो आर्टिकल है रिलेटेड आर्टिकल है उसको लिंक करिए, और क्या करिए उसको एक कीवर्ड पे लिंक करिए, क्योंकि इंटरनल लिंक भी यार किसी पावरफुल बैकलिंक से कम नहीं होता है। क्या होता है ना कि जब भी आप इंटरनल लिंक अपनी ही पोस्ट का देते हैं, गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है और देखता है, तो उस लिंक पे भी जाता है और उसको भी इंडेक्स करता है, उसको भी रियल लेटेस्ट स्नैपशॉट में ऐड करता है, रीक्रॉल करता है, री इंडेक्स करता है। सो दिस हेल्प्स योर अदर पोस्ट टू, उनको भी जिंदा रख सकते हैं आप इंटरनल लिंकिंग से, ऑलराइट। मेन कीवर्ड पे क्या करें, उनको भी लिंक दें, ठीक है। मान लीजिए वो एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में है, और आर्टिकल में कहीं पे भी एडोबी प्रीमियर प्रो आया, तो आप एडोबी प्रीमियर प्रो पे उनको लिंक करें, ऑलराइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। मान लीजिए कुछ आपने ऐसा लिखा जिसका इन्फॉर्मेशन आपकी साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करिए किसी अदर साइट को लिंक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फोटोशॉप में 2022 में नए फोटोशॉप में क्या क्या नया आया है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने किसी सज्जन का लिंक, यानी कि वेबसाइट का उस पोस्ट का लिंक, यहाँ पे एडिंग अमेजिंग फीचर्स इस कीवर्ड पे मैंने क्या किया है, लिंक कर रखा है। अब इससे गूगल को ये लगेगा कि भाई इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इस यूजर ने कहीं और आपको रीडायरेक्ट कर दिया। एक चीज़ ध्यान रहे, जब भी आप एक्सटर्नल लिंक या फिर इंटरनल लिंक ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करें। अगर आपको सामने वाले के साइट पे भरोसा नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पे नो फॉलो क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा आपके साइट का लिंक जूस उसकी साइट पे पास नहीं होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया ना, आगे हम देखेंगे लिंक जूस क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ें हम जरूर देखेंगे। बट फॉर नाउ आई रिकमेंड यू कि आप डू फॉलो लिंक दें अगर साइट ट्रस्टेड है, यानी कि इस चीज़ को आप चेक ना करें, ठीक है। ये हो गया रिलेशन एट्रीब्यूट, यानी कि सेल्फ लिंक मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। सेल्फ लिंक यानी कि
मान लीजिए आपका जो आर्टिकल है वो किस कीवर्ड पे है, एडोबी फोटोशॉप सीसी 2022, तो आप इसी कीवर्ड पे इसी पोस्ट का क्या करें, लिंक डाल दें। जब इस पोस्ट का परमा लिंक बना लें तो इसी कीवर्ड पे इसी को लिंक कर दें, ठीक है। ये चीज क्या करती है ना, जब गूगल इस साइट पे आता है, इस पेज पे आता है और इस पेज पे जाके इस लिंक पे जाता है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है और इससे दो क्रॉल आपका इनेबल हो जाता है, यानी कि यू नो कुछ मिसिंग होती है तो गूगल एक और स्नैपशॉट आपका ऐड कर देता है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये चीज जरूर करें, सेल्फ के कीवर्ड पे सेल्फ के पोस्ट को इंडेक्स कराने के लिए या फिर रिक्रॉल कराने के लिए इसको जरूर ऐड कर दें। देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा, दिस इज हाउ वी क्रैक एल्गोरिदम्स, ठीक है। इस तरह से हम समझते हैं कि यार गूगल कैसे काम करता होगा, गूगल तो यार न्यूज़पेपर में आएगा नहीं कि भैया ऐसे ऐसे कर दो रैंक कर जाएगा, गूगल अपना एल्गोरिदम आपको नहीं बताने वाला है। आप इसी तरह से अनुमान लगा के क्रैक कर सकते हैं, जब तक कोई चीज़ नुकसान नहीं कर रही है तब तक वो सारी चीज़ें आप ट्राई करें, ठीक है। SEO इसी तरह से होता है, ऑलराइट। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, FAQ स्कीमा यूजिंग रैंक मैथ, यानी कि रैंक मैथ के साथ आप FAQ स्कीमा बनाएं। FAQ स्कीमा क्या होता है, यहाँ पे आप आएँ और कभी भी आप रैंक मैथ अगर इंस्टॉल किए हैं, प्रो अगर आपके पास नहीं है तो Theme9 से ले लें यार, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा फीचर पैक है प्रो फ्री वाले वर्जन से। यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और जैसे आप यहाँ पे FAQ सर्च करेंगे, देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन वाला ऐड हो जाएगा जो नीचे ऐड हुआ है। इसमें क्या करें, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो एडोबी फोटोशॉप से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं या फिर आपके आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दें, आंसर यहाँ पे आप बड़ी शॉर्ट में बड़ी सिंपल से बिना ग्रामर मिस्टेक किए यहाँ पे डाल दें। जब भी गूगल में कोई वो क्वेश्चन सर्च करेगा तो हो सकता है कि आपकी साइट FAQ सेक्शन में दिखे। दिस इज हाउ FAQ वर्क्स, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने FAQ का एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे ऐड होगा और आंसर यहाँ पे ऐड होगा, चाहिए तो आप यहाँ से इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो FAQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस, ऑलराइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनल वर्डिक्ट एंड ओपिनियन, आपको क्या करना चाहिए, लास्ट में अपना ओपिनियन देना चाहिए कि भाई ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, मैं आपको डेफिनेटली यू नो हेल्प करूंगा। इससे कहीं ना कहीं आप यूजर से विजिटर से कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा उनसे अटैच हो पाएंगे, एंड गूगल ऑल्सो लाइक दिस, ऑलराइट। तो कभी भी अपने आर्टिकल में, अब मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, टोटल ऑन पेज यहाँ पे कंप्लीट होने को है, बट थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग ना करें, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पे कीवर्ड डालें, LSI कीवर्ड्स को डालें, यानी कि रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आर्टिकल में फिट करने का कोशिश करें ताकि आप उस पर भी रैंक हो पाएँ, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें एंड प्रॉपर हेडिंग टैग यूज़ करें, हर जगह पे सारे हेडिंग में अपने कीवर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है, गूगल डोंट लाइक इट। आप टेबल्स को यूज करें, आप अच्छे इमेजेस को यूज करें, अच्छे इन्फोग्राफिक्स बनाएं, लिस्ट को यूज करें और प्रो एंड कॉन्स बनाएं, यानी कि यूज़र को जो चीज़ें चाहिए वही अपने आर्टिकल में लिखना है। सिर्फ आर्टिकल का लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ भी कचरा मत डाल दो, ठीक है। मैं चाहूँ तो फोटोशॉप पे 10,000 वर्ड का लिख सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को यूज़र जो आ रहा है वो डाउनलोड करने आ रहा है, डाउनलोड से रिलेटेड ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ हमारा 500 वर्ड में काम हो रहा है तो हम 500 वर्ड का ही आर्टिकल लिखेंगे। अगला चीज़ आ जाता है, दैट इज़ SEO मेटा, यानी कि मेटा टैग्स। मेटा टैग यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दीज आर द मेटा टैग। एंड समटाइम हम परमालिंक को भी मेटा में रखते हैं, क्यों रखते हैं आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट एंड सिंपल रखें, मॉडिफायर्स का यूज करें, पावर वर्ड का यूज करें मेटा टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। क्या होता है मेटा टाइटल, लेट मी क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो रैंक मैथ भैया बोल रहे हैं, भैया आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, 90 का स्कोर आ रहा है, बाकी के मार्क्स में कट कर रहा हूँ क्योंकि आपके आर्टिकल का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप और ज़्यादा लेंथ रखें। बट मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ अगर आपको लगे कि यार मेरे आर्टिकल का लेंथ इनिशियली ठीक है तो आर्टिकल आप पब्लिश कर दें, और धीरे धीरे मैं आपको एडवांस चीज़ें मैं बताऊँगा तब आपको कैसे आर्टिकल का लेंथ बढ़ाना है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, ऑलराइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मेटा टाइटल देखने वाले हैं। हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए मैंने मेटा टाइटल लिखा हुआ है। समटाइम क्या होता है, जो आपका ये H1 होता है, जो पोस्ट का टाइटल होता है वही आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक मीनिंगफुल मेटा टाइटल लिखना है, ठीक है। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये जो 2022 मैंने लिखा है ना, ये मॉडिफायर्स हैं, लेकिन अगर इसी ब्रैकेट में मैं लिख दूँ वर्किंग, 100% वर्किंग, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दूँ वर्किंग, ठीक है, तो ये पावर दे रहा है, यानी कि इस आर्टिकल की, इस टाइटल की अथॉरिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डाल देने वाला हूँ 2022, ठीक है, 2022, जिससे यूजर को लगेगा कि यार ये अपडेटेड डेटा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मेन कीवर्ड को डालिए, शॉर्ट रखिए और उसकी विजिबिलिटी जितनी आए उतनी ही यहाँ पे हेडिंग, सॉरी मेटा टाइटल डालें, ठीक है। परमा लिंक आपका देखिए शॉर्ट एंड सिंपल, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑलराइट। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो यहाँ पे आपका सर्च इंजन में दिखता है, इससे भी आप शॉर्ट एंड सिंपल और अपने मेन कीवर्ड्स को डेफिनेटली डालें, और ये रीडेबल होना चाहिए, ये नहीं कि कॉमा लगा लगा के अपने मेन कीवर्ड्स डालते जाओ।
तो गूगल भैया दे देंगे यार दो चार झापड़ क्या करना है, और इसमें आपकी वेबसाइट की लग जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अपडेट योर मेटा टैग्स। और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मेटा टैग्स ही आपके यूज़र को दिखते हैं और वही देख के वो क्लिक करते हैं, ठीक है। और आपको फीचर इमेज ऐसा बनाइए जिसपे क्लिक्स ज़्यादा है। समटाइम आपके सर्च रिजल्ट में फीचर इमेज भी दिखता है, तो जितना अच्छा फीचर इमेज होगा, जितना अच्छा मेटा टैग होगा, उतना ही ज़्यादा इस पर क्लिक आना है, और जितना ज़्यादा क्लिक आएगा उतना ही CTR बढ़ेगी और उतना ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। आई होप अब तक की आपकी ये वीडियोज़ में अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे और आपको मज़ा आया होगा। यार वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक इट, एंड मेरी आंखें आपको देख के समझ में आ रही होंगी कि कितना ज़्यादा मेरे को नींद आ रहा है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, बट फिर भी मैं सारे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। अगला एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ एडवांस टेक्निक फॉर बेटर ट्रैफिक। ये चीज़ें जो ओपन होकर आने वाली है ना, ये चीज़ आपकी होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ। बिफोर वी प्रोसीड टू दिस सेक्शन, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको मेरी साइट पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आप डील्स वाले सेक्शन पे आए, यानी कि डील्स फॉर ब्लॉगर के सेक्शन में आए, तो यहाँ पे मैं जो भी डील्स एंड डिस्काउंट होते हैं, होस्टिंग के, प्लगइन्स के, ये सारी चीज़ें मैं लिस्ट करता रहता हूँ। अभी के लिए अगर आप बिगिनर हैं और आपको होस्टिंग परचेस करना है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप होस्टिंगर के साथ जाएं, क्योंकि होस्टिंगर बिगिनर्स के अफोर्ड करने के हिसाब से अपनी होस्टिंग की प्राइसिंग रखा है, और प्राइसिंग के हिसाब से इनका होस्टिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कूपन कोड की, तो आप अगर हमारा ये कूपन कोड यूज़ करते हैं, प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, देन यू विल गेट 10% अप टू 10% डिस्काउंट एंड समटाइम हायर देन दैट। तो आपको यहाँ पे कूपन कोड देखते रहना है, और हो सकता है मैं और भी कूपन कोड लेके आऊँ जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक 70% का डिस्काउंट खुद आपको होस्टिंगर देगा, क्योंकि आप इस लिंक से जा रहे हैं, और इस लिंक से जब भी आप परचेस कुछ भी करेंगे तो बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्हें पे किए मेरे को एक अफिलिएट कमीशन आएगा, ऑलराइट। और उस अफिलिएट कमीशन से मैं आपको बहुत कुछ फ्री में देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी के लिए अगर इस बटन पर हम क्लिक करें तो आप चले जाएंगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर, एंड थैंक्स टू माई इंटरनेट, देख रहे हैं कितना स्लो है, ये वो वाली फीलिंग आई ना, देख रहा है विनोद कितना स्लो इंटरनेट है, बट यार देखो इस स्लो इंटरनेट के साथ भी मैं इरिटेट ना होके मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अगर आप वेब होस्टिंग पे जाएं तो यहाँ पे देखिए इनका प्राइसिंग टेबल है, यहाँ पे देखिए 69 से ये स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेस देन मिल्क एक्सपेंस आई फील, मतलब मेरे वहाँ दूध भी मेरे ख्याल से 100 रुपये पर डे का आता है, मतलब कि 2 लीटर दूध तो मैं पी जाता हूँ यार। तो जहाँ पे हमारे एक दिन का दूध का एक्सपेंस है, जहाँ पे एक महीने का ये होस्टिंग दे रहे हैं, कैन यू बिलीव इट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक वेबसाइट के लिए, क्या होगा अगर आपको दो वेबसाइट पे अपनी, मतलब दो वेबसाइट अगर होस्ट करनी हो। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला प्लान लें, प्रीमियम वेब होस्टिंग। यहाँ पे आप अप टू 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगी, ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL और अनलिमिटेड सपोर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग वैल्यू आपको मिल रहा है इस 150 रुपये पर मंथ के होस्टिंग में। और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो आपको 70% प्लस 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने पे। रिमेंबर दैट, आपको लिंक पे क्लिक करना है, तभी हम आपको फ्री में कुछ गिफ्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको अच्छी इनिशियल ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो गई, तो आप इनका क्लाउड सर्वर यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है किसी भी होस्टिंग से। बट फॉर नाउ इफ़ यू आर अ बिगिनर, मैं सिर्फ बिगिनर को ये वाला प्लान रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज आप क्लाउड होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग को ही चूज करें। आई रिकमेंड यू टू गो विथ क्लाउड होस्टिंग, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फ्री गिफ्ट क्या मिलने वाला है। आप फ्री गिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा है कि आपको जनरेट प्रेस WP रॉकेट एंड रैंक मैथ, जिसका वर्थ रुपीज़ आ रहा है $300 प्लस का, मैं आपको ये फ्री थीम एंड प्लगइन्स दे रहा हूँ। तो है ना ये धमाकेदार डील, यानी कि आप साल के 1200 रुपये की होस्टिंग यूज करते हो और साथ में अमेजिंग प्लगइन्स एंड थीम के साथ आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं कि कैसे आप इसे अवेल कर सकते हैं। सिंपली आपको बाय करने के बाद अपना इनवॉइस यहाँ पे सबमिट करना है। हमारी टीम 5 से 7 दिन लेती है, एंड समटाइम 48 घंटे में आपको मेल आ जाते हैं कि भैया आपका सेल अप्रूव हो गया है, क्योंकि हम इनकी टीम से वेरीफाई करते हैं कि भाई हमको बेवकूफ तो नहीं ना बनाया जा रहा है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, अपना परचेस का डिटेल यहाँ पे डालना है, एंड जैसे आप डिटेल डालेंगे हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक टीम से मेल आ जाएगा, हमारी टीम से मेल आ जाएगा, एंड उसके बाद आपके वेबसाइट पे ये चीज़ें इंस्टॉल कर दी जाएगी। आपको सेंड नहीं किया जाएगा, आपको इंस्टॉल कर दी जाएगी, आप यूज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सारे प्लगइन्स जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं 100% जेन्युइन, यू विल गेट अपडेट्स इन योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड इटसेल्फ। ऑलराइट, कोई भी GPL या फिर नल्ड नहीं है। सो जब भी होस्टिंग की बात आए, आप डेफिनेटली ट्राई करें कि आप होस्टिंगर के साथ जाएं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं।
ऑलराइट, अब आ जाते हैं एडवांस टेक्निक फॉर बेटर ट्रैफिक वाले पॉइंट्स पे, जो कि सबसे ज्यादा आप वेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो एड मोर कंटेंट ओवर द टाइम, ये पॉइंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये तरीका मैंने यूज किया अपना एक आर्टिकल रैंक कराने के लिए। लेट मी शो यू दैट आर्टिकल। अगर हम यहाँ पे सर्च करें क्लाउड वेज कूपन कोड, ठीक है, या फिर कूपन सर्च करें, तो यहाँ पे देखिए ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड आ रहा है, लेकिन पहले नंबर पे जो वेबसाइट है दैट इज माई वेबसाइट, ठीक है, मेरी वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पे, जिसकी डोमेन अथॉरिटी जस्ट 17 है, एंड नीचे क्लाउडवेज की वेबसाइट आ रही है। कैन यू बिलीव इट? एंड नीचे और आए तो यहाँ पे देखिए डी ए 50 वाली वेबसाइट है, डी ए 33 वाली वेबसाइट है, डी ए 50 है, डी ए 82 है, और नीचे आप जाएंगे तो हर्ष अग्रवाल यानी कि शाउट मी लाउड की वेबसाइट है, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है, लेकिन इस कीवर्ड पे जो कि मेन कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मैं पहले नंबर पे रैंक कर रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, ये सर्च रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड बिलीव मी आप इस आर्टिकल को आके एनालिसिस करें एंड देखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस पर करी हैं, कितना मैंने हार्ड वर्क करा है, कितना लेंथ का आर्टिकल है, किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर करा हुआ है, कितने इमेजेस यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने एक टेक्निक यूज़ किया है जो हमारे लिए हमेशा काम करती है, हमारे टीम के लिए काम करती है। टेक्निक ये है कि ऐड मोर कंटेंट ओवर द टाइम, यानी कि मैंने जो ये आर्टिकल है ये एक दिन में मैंने नहीं लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में 400 वर्ड का आर्टिकल पब्लिश किया, अगले हफ्ते मैंने क्या किया, फिर 200 वर्ड का आर्टिकल डाला, फिर 50 वर्ड का आर्टिकल डाला, फिर मैंने एक और हेडिंग ऐड किया, फिर कैसे उसका स्पीड ऑप्टिमाइज करेंगे, मैंने फिर इस पे क्या किया, मैंने वीडियो डाला, फिर इस पे मैं FAQ डालना चालू किया, मतलब कि 5-5 दिन के गैप पे। अब इसमें होता क्या है ना कि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है तब उसको नया कंटेंट, नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, और ये चीज़ गूगल को बहुत पसंद है। सोचो एक साइट है जो एक बार डाल दी आर्टिकल, अब साल भर अपडेट ही नहीं कर रही, और एक साइट हर हफ्ते अपनी आर्टिकल में कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड कर रहा है। मैं आपको एक हैक बताता हूँ, आपके पास आर्टिकल का स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, सिर्फ स्ट्रक्चर ना, तो उसे पूरा मत पब्लिश करिए, थोड़ा सा रोक लीजिए, कुछ हेडिंग्स को शुरू में मत डालिए, FAQ को एक ही बार 10 क्वेश्चन आंसर मत डालिए, दो एक बार डालिए, दो 10 दिन बाद डालिए, दो 5 दिन बाद डालिए, ऐसे करके धीरे धीरे कंटेंट ऐड करिए, और ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। आई डोंट नो आप लोगों में से बहुत लोग शायद नहीं जानते और कितने लोग यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ और मेरे लिए काम करती है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, अगर आपके लिए नहीं है वो भी बताइए आप मुझे। नीचे अगर हम क्लिक करें तो अगला जो आ जाता है, इंस्टॉल टेबल ऑफ कंटेंट टू गेट साइट लिंक स्निपेट्स। साइट लिंक स्निपेट्स क्या होते हैं एंड टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? ऑब्वियसली टेबल ऑफ कंटेंट ये है, लकी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ये चीज आपको मिल जाएगा, एंड जैसे आप किसी भी हेडिंग पे क्लिक करेंगे आप उस सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उस बारे में नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसका ये है कि आप यहाँ पे देखिए एक लिंक बना हुआ है, लेकिन इनकी साइट पे नहीं बना हुआ है, मेरे साइट पे बना हुआ है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये लकी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन से या फिर टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन से ही ये चीज़ पॉसिबल है। लेट मी शो यू द सेम रिजल्ट इन मोबाइल फोन। अगर ये सेम चीज़ हम सर्च करें मोबाइल फोन में तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए ऊपर सारे ऐड आ रहे हैं एंड पहले नंबर पे मेरी वेबसाइट है, एंड यहाँ पे अगर स्क्रॉल करें ना तो देखिए सारे हेडिंग्स मेरे दिख रहे हैं, यानी कि यूजर यहीं से किसी भी पॉइंट पे जंप कर सकता है, एंड दिस गिव मोर फीचर, मोर पोटेंशियल टू यूजर्स, और ये चीज़ गूगल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट, अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, यूज टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन साइट लिंक स्निपेट्स के लिए। अगला जो पॉइंट है दैट इज टेक्स्ट स्निपेट्स। टेक्स्ट स्निपेट्स क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर हम यहाँ गूगल पे सर्च करें व्हाट इज नो फॉलो लिंक, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे ऊपर ही हमें मिल जा रहा है, लेकिन ये FAQ नहीं है। FAQ में क्या डिफरेंस होता है यहीं पे आप देख लीजिए। FAQ यहाँ पे देखिए इस तरह का एक बॉक्स आता है और ये कोलैप्स रहता है, यानी कि इसमें आपकी वेबसाइट तब तक नहीं दिखेगी जब तक कोई भी इस पर क्लिक नहीं करता है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, FAQ में कुछ भी क्वेश्चन डालिए, दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेकिन आपको लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर और बड़ा दे सकता हूँ और क्यों ना इसको गूगल पे मुझे रैंक कराना चाहिए यूजिंग माई आर्टिकल, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया इन्होंने, यानी कि Ahrefs वालों ने क्या किया है, इसका एक क्वेश्चन थ्रेड ही बना दिया है, यानी कि यहाँ पे देखिए व्हाट आर नो फॉलो लिंक्स इसके बारे में लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने 50 वर्ड के अंदर में ही इन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर दे दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे टेक्स्ट स्निपेट्स होता है, यानी कि ये जो रिजल्ट आते हैं, अगर आपके आर्टिकल का आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर 60 वर्ड के अंदर होता है, 40 से 60 वर्ड, मैं रिकमेंड करूंगा कि 50 वर्ड के अंदर ही आप इस आर्टिकल को लिख डालें, ठीक है, इसका आंसर दे डालें, वो चीज टेक्स्ट स्निपेट्स में दिखती है, FAQ में नहीं दिखती है। ऑलराइट, तो कभी भी H2 लिखें और H2 में क्या करें उसको आंसर दे दें और फिर एक पैराग्राफ चेंज करके आप ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन पहले पैराग्राफ में कोशिश करें 60 वर्ड में स्टार्टिंग में वो चीज एक्सप्लेन हो जाए ताकि यूजर इसको पढ़ के यहां पे क्लिक कर दें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट टू से टेक्स्ट स्निपेट्स, राइट।
उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट स्निपेट्स। लिस्ट स्निपेट्स क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं जेनरेट प्रेस कस्टमाइजेशन ट्रिक्स, ठीक है। अगर आप ये कीवर्ड सर्च करें तो यहाँ देखिए सर्च रिजल्ट में ही बहुत सारे लिस्ट आ रहे हैं। कोई भाई साहब है webnotes.com, ठीक है, इन्होंने लिख रखा है और आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये लिस्ट बना रखी है और गूगल क्या कर रहा है वो चीज बाहर ही दिखा दे रही है। अब देखिए इसका कितना बड़ा फायदा है, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है और यही चीज गूगल दिखा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, हेडिंग को क्वेश्चन की तरह लिया है और यहाँ पे नीचे आंसर दे दिया है। बेसिकली यही चीज गूगल दिखाता है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, देखिए पूरे स्क्रीन पे एक ही रिजल्ट दिख रहा है। अगर ये चीज नहीं रहता तो हम शायद 2-3 रिजल्ट देखते और किसी और पे भी हम क्लिक कर देते, लेकिन यहाँ पे भाई साहब ये पूरा एरिया यही कवर करके रखे हुए हैं तो किसी और को क्लिक कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लिक इन्हीं को मिलने वाला है। तो ये फायदा है भाई लिस्ट स्निपेट्स का, ये चीज आपको भी यूज करना चाहिए। मैं भी बहुत सारे आर्टिकल में यूज कर रहा हूँ और बहुत सारे आर्टिकल में मेरा ये इनेबल भी है। यू शुड ऑल्सो यूज दिस। और एक चीज मैं बताऊँ, लिस्ट स्निपेट, टेक्स्ट स्निपेट, वीडियो स्निपेट, टेबल स्निपेट्स, ये तब दिखाता है जब यूजर की क्वेरी से मैच करता है। तो कभी भी क्वेश्चन की तरह आप हेडिंग रखें और उसके आंसर में ये सारी चीजें ऐड करें। आई बिलीव आप समझ पाए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल स्निपेट्स है। अब टेबल स्निपेट्स क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए डिस्काउंट कोड, ठीक है, न्यू कूपन कोड, कीप विजिटिंग द वेबसाइट, स्टार्ट 3 डेज ट्रायल, ये सारी चीजें टेबल से आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने जो टेबल रखा है ना, यहाँ से ये चीज गूगल में दिखा रहे। अब यहाँ पे सेम बेनिफिट मुझे मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई विजिटर आता है ऐसे करके, तो नीचे एक्चुअली 2 ही रिजल्ट दिख रहा है। तो चांसेस ये है कि मेरा जो रिजल्ट है वो जगह ज्यादा ले रहा है। ये देखिए अराउंड कितना ले रहा है, ये अराउंड 450 पिक्सल का हाइट ले रहा है। और वहीं पे ये क्लाउड बेस वाले भैया हैं जो इतना ही हाइट ले रहे हैं। इसका मतलब मैं बहुत सारे रिजल्ट को मैं गायब कर दे रहा हूँ और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ। सारे हेडिंग्स दिख जा रहे हैं, टेबल दिख जा रहे हैं, वीडियो दिख जा रही है, डिस्क्रिप्शन दिख जा रहे हैं। ये सारे फायदे हैं इस तरह से ये सारी चीजें यूज करने का। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है हमारा वीडियो स्निपेट्स। राइट, हमें क्या करना है, अपने आर्टिकल में कोई ना कोई वीडियो यूज करना है। एज अ वीडियो क्रिएटर मैंने ये वीडियो शूट करा था, मैंने रिलेटेड वीडियो डाल दिया। अगर आप वीडियो क्रिएटर नहीं भी हैं तो आप वीडियो शूट करें नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी क्रिएटर से परमिशन लेके उनका वीडियो आप क्या करें, रिलेटेड वीडियो इम्बेड कर दें। इनके 2 फायदे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके वीडियोस दिख जाते हैं जिससे यूजर क्लिक करता है कि चलो यार यहाँ पे वीडियो भी है तो मैं समझ लूंगा। दूसरा फायदा यह है कि बंदा अगर वीडियो के चक्कर में फंसा तो यार 18 मिनट का वीडियो 6 मिनट तो देखेगा, बाउंस रेट बहुत अच्छा यहाँ पे मेंटेन होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा रैंकिंग में मदद मिलने वाली है। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली है। ये एथिकल चीजें कोई नहीं बताता है, सब बताने के चक्कर में भैया ये टूल यूज कर लो, ये जनरेटर यूज कर लो, बट प्लीज बिलीव मी, ये सारी चीजें छोड़ के अच्छे तरीके से काम करो अगर आपको सर्च इंजन में रैंक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आर्टिकल जनरेटर यूज करूँ तो कभी भी मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे पहले पोजीशन पे रैंक नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं ये सारे एड्स हैं, तो ये मत सोचना कि भाई ये 5वें नंबर पे होके पहला का डंके बजा रहा है, भाई ऐसा नहीं है। जैसे ये एड्स गायब हो जाएंगे मैं पहले पोजीशन पे दिखना स्टार्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे पेड एड बहुत ज्यादा चल रहा है। पेड एड का मतलब ये है कि इस कीवर्ड में इतना पोटेंशियल है कि लोग पेड एड चला रहे हैं और मैं एक फूटी कौड़ी दिए बिना पहले नंबर पे यहाँ पे रैंक हूँ, समझा आपने। तो है ना ये कमाल की चीज, SEO इज ट्रू लव। अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे जनरेट करके देगा आपकी वेबसाइट। एंड यार होप खत्म मत करो, अगर आप ब्लॉगर हो मेरे वीडियोस को फॉलो करो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड मिल रहा हो तो यार लाइक कर दो, एंड ये लाइक्स वाले नंबर जो होते हैं ना, ये मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ यू नो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑलराइट, आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, वीडियो स्निपेट्स के बाद रिच स्निपेट्स। रिच स्निपेट्स क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं गूगल में सर्च करूँ जनरेट पेज कस्टमाइजेशन, यही कीवर्ड मैं सर्च करूँ, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे मेरी वेबसाइट आ रही है। यस, आपके भी मोबाइल में आएगी, ये भी रैंक्ड है। आई डोंट नो ये सेकंड नंबर पे कैसे आ गया, ये पहले नंबर पे था। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड डालूं तो पहले नंबर पे ये आ जाता है। बट यहाँ पे देखिए रिच स्निपेट्स में क्या है, यहाँ पे स्टार रेटिंग दिख रहा है। अब सोचिए यहाँ पे 2 रिजल्ट हैं, लोग इस पे ज्यादा क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे 114 लोगों ने वोट किया है इस आर्टिकल को और जिसकी ओवरऑल रेटिंग क्या है, 46 है। आजकल यार हम एक आइसक्रीम या फिर एक जूते भी नहीं खरीदते हैं बिना रेटिंग देखे, तो इस रेटिंग का कुछ तो फायदा होगा। ये रेटिंग मैंने कैसे लगाया, अगर इस आर्टिकल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टार रेटिंग है, कोई भी विजिटर यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकता है, रेट कर सकता है। एक विजिटर एक ही बार रेट कर सकता है। देखिए अब मेरा रेटिंग यहाँ पे क्लिक करने पे भी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेट दे रखा है। गूगल के पास डेटा है, मेरी वेबसाइट के पास डेटा है। और ये चीज़ आप कर सकते हैं कैसे, के स्टार रेटिंग प्लगइन से। ये वाला वीडियो देख लें जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप इसे इनेबल करेंगे और कैसे सर्च इंजन में इसे आप दिखाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम आ जाते हैं
स्कीमा यूजिंग रैंक मैथ प्रो स्कीमा जनरेटर, ठीक है। अगर आप रैंक मैथ प्रो यूज कर रहे हैं तो इनके बहुत अच्छे स्कीमा जनरेटर हैं। मान लीजिए आपकी साइट है किसी और चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आइए आप रैंक मैथ में, और रैंक मैथ के प्रो में ही ये फीचर है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। अभी मैं स्कीमा जो यूज कर रहा हूँ वो आर्टिकल स्कीमा यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पे, देन आपको क्लिक करना है स्कीमा जनरेटर पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्कीमा आ गए। मान लीजिए आप किसी रेसिपी के बारे में लिख रहे हैं या फिर मूवी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप मूवी वाला यहाँ पे स्कीमा लिख लीजिए कि इस मूवी को क्या रेटिंग आप देना चाह रहे हैं, कब रिलीज हुआ था, मूवी का नाम क्या है। ये चीज़ गूगल में बहुत अच्छे से रिच रिजल्ट में दिखता है, यानी कि यहीं पे बार बहुत सारे डेटा दिख जाते हैं। एंड इसे क्लोज करके मैं हाउ टू स्कीमा, पर्सन स्कीमा, रेसिपी स्कीमा। रेसिपी स्कीमा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई रेसिपी सर्च करता हूँ, जैसे कि आई डोंट नो व्हाट टू सर्च इन रेसिपी, मटन करी, ओके मटन करी रेसिपी, ठीक है। आई डोंट नो कितने इसमें से वेजिटेरियन है, अगर यार वेजिटेरियन हो वीगन हो देन आई एम सॉरी, मेरे को यही कीवर्ड समझ में आ रहा था। यहाँ पे देखो रेसिपी क्या है, 1 घंटा 5 मिनट में बन जाएगा। ये चीज़ आप रेसिपी स्कीमा से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुकिंग टाइम डाल सकते हैं, प्रिपरेशन टाइम डाल सकते हैं, टोटल टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। तो रेसिपी स्कीमा इस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए 1 घंटा 5 मिनट में बन जाएगा, इतनी वोटिंग है, तो यूज़र को एक ज़्यादा डेटा यहाँ से मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्कीमा से ही होती है। आप देखिए इसमें से कौन सा स्कीमा आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉब पोस्टिंग स्कीमा है। अगर आप जॉब पोस्टिंग स्कीमा पे काम करते हो, जॉब पोस्टिंग पे काम करते हो, तो यहाँ पे आप बहुत सारा डेटा जैसे सैलरी, पे रोल, डिस्क्रिप्शन, किस कैटेगरी का जॉब है, ये सारी चीज़ें आप स्कीमा के थ्रू सर्च में ही सारी चीज़ें दिखा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना सकते हो। ऑलराइट, प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हो तो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे स्कीमा आएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना कॉस्ट है, क्या आप इस सॉफ्टवेयर को रेटिंग दोगे, ये सारी चीज़ें आप स्कीमा जनरेटर से कर सकते हो, जो कि पावरफुल स्कीमा जनरेटर है रैंक मैथ प्रो के साइड में। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय रैंक मैथ प्रो देन हेड ओवर टू theme9.net, जहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, यानी कि एक पिज्जा के कॉस्ट में आपको रैंक मैथ प्रो मिल जाएगा पूरे साल के लिए। जेन्युइन, यू विल गेट अपडेट्स इन योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ऑलराइट, अगर theme9 की बात ही हो रही है देन लेट मी शो यू आर डैशबोर्ड, जहाँ पे हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है अलॉन्ग विद दिस अमेजिंग प्लगइन्स एंड थीम। आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे एंड बहुत सारे आपको रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाएगी, जो हमारी टीम आपकी वेबसाइट पे सेम डिज़ाइन आपको करके देगी। हर एक नीड से रिलेटेड हमने क्या किया है, यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा है। सो विजिट वंस, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये वेबसाइट पे विजिट करके। एंड बाय दिस वे यू कैन अप्रिसिएट आवर वर्क। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं यार जिनको पे करना होता है, जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, और जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें पे करता हूँ एज द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। तो जब भी आप कुछ भी हमारे लिंक से बाय करते हो, हमारी साइट से बाय करते हो, तो सिर्फ हमारा नहीं, हमारा सबका हेल्प होता है, आपका हेल्प होता है एंड टीम का हेल्प होता है। दिस इज हाउ वी वर्क्स। एंड लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सोशल शेयरिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि कभी भी आपको अपनी आर्टिकल को सोशल शेयरिंग करना है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम तो नहीं बोलूंगा, इंस्टाग्राम की बायो में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एंड लिंक्डइन पे, ये सब जगह पे आपको शेयर करना है, ताकि गूगल को एक सिग्नल मिले कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें शेयर होती है। आप अलग अलग अकाउंट बना लें। आप अपने अकाउंट से नहीं शेयर कर रहे हैं, आपको ऑकवर्ड लगता है यार मेरे मेन अकाउंट पे नहीं शेयर कर सकता हूं, तो आप ब्रांड अकाउंट बना लें और वहां से ये चीज़ें शेयर करें, भले ही कोई विजिटर नहीं आ रहा है, बट गूगल को पता चलेगा और ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। ऑलराइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक चीज़ और, YouTube डिस्क्रिप्शन से लिंक लिया करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपका लिंक आता है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, राइट फॉर ह्यूमंस नॉट फॉर सर्च इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको ह्यूमंस के लिए लिखना है, सर्च इंजन के लिए नहीं। शुरू में ही हमने बात किया था कि आपको SEO करना है, प्रॉपर SEO करना है, यानी कि UFO करना है, यानी कि यूजर फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन करना है, SEO नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा इंटेंट यही होना चाहिए कि हम यूजर का मदद करें, बार बार कीवर्ड स्टफिंग ना करें और अच्छे से आर्टिकल लिखें। दिस इज वॉट वी लर्न टूडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये अगर आपको चाहिए, यानी कि ये अगर डेटा आपको चाहिए, ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, ये माइंड मैप चाहिए, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और ये चीज़ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे आज का ये वीडियो देखने के बाद। आई थिंक मैंने 50 मिनट की वीडियो बना दी एंड आई बिलीव आपको बहुत मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सी यू अगेन इन द अदर वीडियो। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी रैंकिंग।